मेंढकी गांव में 25 जून को नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उसके पति जेठ सहित सास ससुर को दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आज इसी मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मेंढकी गांव के सरपंच के साथ गांव के लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर घटना की निष्पक्ष जाँच कराने की एवं विवाहिता के पति का DNA टेस्ट कराए जाने की मांग की है। मृतका की जेठानी ने बताया कि विवाह के बाद मायके से आने के बाद वह देवर को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जब परिवार वालों ने विवाहिता से बात की तो उसने उसके देवर से संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया। उसने बताया कि वह किसी और को चाहती है और उससे गर्भवती भी है। विवाद के बाद वह मायके चली गई, जहां से उसके ससुर ने उसको समझा बुझाकर उसे वापस घर लेकर आए थे। 25 जून को उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब पुलिस पर आरोप है कि मायके पक्ष के बिना जांच किए ही उसने उसके पति देवर और सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। अब परिजन घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं। घर आए तो पहली ही बार से उनको पहली ही रात से नाटक चालू हो गया था। जब वो जो संबंध होते हैं वैवाहिक संबंध जो बोलना चाहिए, उस संबंध के बाद उसे पहली रात में जब पति पत्नी के पास गया तो पत्नी ने उसको ये बोलकर हटा दिया कि मेरे बाप की दी हुई खटिया है, पलंग है, और यदि मेरे साथ आप जबरदस्ती करते हो तो मैं आत्महत्या कर लूँगा।